अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस एकेडमी। दोस्तों, हम अपनी प्लेलिस्ट के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं वर्टिकल बुक के। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन रीड करने से पहले सबसे पहले तो सिंपल बॉयलर प्लेट में आ लेता हूँ ताकि हमें पता लगे कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। stdio.h यहाँ पर आ जाएगा। एंट मैन, यहाँ पर आप मैन लिखें तब भी ठीक है, एंट मैन लिखें तब भी ठीक है, लेकिन जब आप इन मैन लिखेंगे तो आखिर में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें एरिया फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। एरिया इक्वल होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर के, सही है। मतलब एरिया मल्टीप्लाई होता है पाई मल्टीप्लाई आर के, आर स्क्वायर यही होता है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो अब यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है, हमें आर नहीं पता, आर हमने चाहिए। इसी तरह एरिया के अलावा सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2πr के। 2πr के अंदर भी सिर्फ r ही हमें नहीं पता, 2 और पाई कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले रेडियस हम यूज़र से ले लेते हैं। मैं फ्लोट का एक वेरिएबल बना लूँगा एर ए डी के नाम से, इसमें रेडियस स्टोर करेंगे। सबसे पहले प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे इंटर रेडियस ऑफ आ सी आई सर्कल, और यहाँ पे बाहर आके हम जाके स्कैन एफ के थ्रू इसको सेव करेंगे। परसेंटेज एफ आएगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और एंड आर ए डी के रेडियस के अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? मैं लिखता हूँ फ्लोट एरिया। अच्छा, आप एरिया को यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ ऊपर बना दें, नीचे वैसे लिख दें। मैंने नीचे डायरेक्ट एरिया को फ्लोट में बना दिया। इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, हमें पता है 3.142 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय आर। आर ए डी जो रेडियस उसने एंटर किया है, आर ए डी अगर वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो उसका रेडियस बन जाएगा। इसी तरह सरकमफेरेंस, मैं दोबारा फ्लोट को वेरिएबल बना देता हूँ सरकम के नाम से, सरकम, और मैं इसको इक्वल करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2πr होता है, यानी कि 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर ए डी रेडियस। ये दोनों चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो गई, इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। उस पर इनको अब शो करने में लिखूँगा प्रिंट एफ \n एरिया ऑफ सर्कल इज, मैं यहाँ पे कॉलन लगा के लिखता हूँ परसेंटेज एफ, और दोबारा मैं \n लगा के लिखता हूँ सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ। दो दफ़ा परसेंटेज है। अब जिस पहले परसेंटेज एफ की वैल्यू है ना, वो हमने पहले लिखनी है। पहले एरिया ऑफ सर्कल है, मैं लिखूँगा एरिया कोमा सेकंड वाला सरकम, और आखिर में जाकर इसको इस तरह कर देंगे, और ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन बन चुका है। मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। कहता है इंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैं रेडियस इंटर करता हूँ 45, तो मेरा एरिया भी आ गया है और मेरा सरकम फेरेंस भी आ चुका है। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम रेडियस फाइंड करने का, रेडियस इंटर करके एरिया और सरकमफेरेंस फाइंड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो HTML की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें ताकि आने वाली इसकी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारी सीख की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।